Good morning. Today is 12th November 2018 and we are going to discuss the editorial of the Indian Express. आज सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से आर्टिकल को आज डिस्कस करने वाले हैं. पहला आर्टिकल होगा जिसमें हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में और खास करके इसमें सिंचाई मतलब जिसे इरिगेशन बोलते हैं. तो यहाँ पर दो टेक्निकल टर्म भी आज आपको समझने हैं कि इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड और इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज क्या होता है और इस दोनों के बीच में बहुत वाइड गैप है और ये जो वाइड गैप है इसके क्या कारण है इस आर्टिकल में पूरे डिटेल में नहीं बताया गया, पूरे ऊपर आर्टिकल्स को लिख दिया गया. तो मैं आपको अपने नोट्स के हिसाब से बताऊंगा, क्विक पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना और वो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स को इलाबरेट कर सकते हो. 6-7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आखिर ये जो पोटेंशियल क्रिएटेड और पोटेंशियल यूटिलाइज्ड है दोनों के बीच में इतनी वाइड गैप क्यों आ रही है. तो देखेंगे, बड़ा ही अच्छा आर्टिकल, इसे हम लोग समझेंगे. दूसरा आर्टिकल है कि नॉट सो ईजी बिजनेस, मतलब हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग देखें कि अभी इंडिया की रैंकिंग 77 आ गई और साथ ही साथ हम लोगों ने रिलेटेड आर्टिकल भी डिस्कस किए कि इसमें और क्या चीज़ों की जान होनी चाहिए, आवश्यकताएं हैं. और इस आर्टिकल में और भी इलैबोरेटिव वे में देखेंगे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके के होनी चाहिए और क्या क्या रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है. तो ये दो आर्टिकल का विश्लेषण हम लोग आज पूरे डिटेल में करेंगे. साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो डिस्कशन हो रही है इसके पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/today@click पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो. और साथ ही साथ आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी v.essp@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हो. तो आगे बढ़ता हूँ आर्टिकल. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये जो है एक योजना स्कीम चलाई गई प्रधानमंत्री के द्वारा. और सिंचाई का मतलब क्या होता है, सिंचाई का इंग्लिश में अगर वर्ड बोलूँ तो उसका मतलब होता है इरिगेशन. और यहाँ पर देखो सबसे नीचे में आपको एक यहाँ पर दिख रहा मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब हर एक ड्रॉप पे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, कम से कम पानी का यूटिलाइज करते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना. और ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे रीजन्स हैं हमारे कंट्री के जहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन आते हैं. और जब ड्रॉट की बात होती है तो 2018 की सिचुएशन को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस जो यहां के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अभी बोला 2018 को महाराष्ट्र को क्या ड्रॉट मतलब उन्होंने घोषित कर दिया कि यहां पर सूखा पड़ा था. और उसके साथ साथ ही 7,000 करोड़ रुपए की मांग की है सेंटर से. तो यहां तक बात तो ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे सवाल भी उठाते हैं अपने आप में. और सवाल कैसे, पहली सवाल ये कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो बनाई गई थी और जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर वैसे कुछ सिचुएशंस आ जाएं जैसे फ्लड आ जाए या फिर ड्रॉट आ जाए या फिर आपके क्रॉप्स किसी भी तरीके से अगर फेलियर हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, एक बीमा मिलेगा, आपको एक इंश्योरेंस मिलेगा और उस इंश्योरेंस से आपके पैसे क्या होंगे, कंपनसेट हो जाएंगे. तो जब ये योजना थी तो उसके बावजूद ये 7,000 करोड़ रुपए लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये बीमा क्या ये मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ये भी एक क्वेश्चन उठाता है. दूसरा क्वेश्चन ये कि व्हाट हैपेंड टू द मैसिव इरिगेशन इन्वेस्टमेंट, मतलब आज से 15 साल से लगभग हम लोग जो है ये महाराष्ट्र में पहली बार 2018 में ड्रॉट जैसा सिचुएशन पैदा नहीं हुआ. ये हर साल ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाते हैं और हर साल जब पैदा ऐसा सिचुएशन होता है तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वहाँ चेंज हो रही है और वहाँ पर इरीगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं. इरीगेशन फैसिलिटीज के लिए हर साल जो है पैसे अलग से दिए जाते हैं, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज हो क्या रही, यहां पर इतनी इरिगेशन पैटर्न बनाने के बावजूद भी वहां पर ड्रॉट क्यों पड़ रहा है, वहां पर लोगों को किसानों को पानी आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा. तो ये एक प्रोमिनेंट रीजन उठता. और तीसरा ये भी कि अगर महाराष्ट्र को 7,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो फिर दूसरे स्टेट को भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वहां काम नहीं कर रही है तो कोई दूसरे स्टेट में भी काम नहीं कर रही, और अगर महाराष्ट्र में मतलब ड्रॉट आया तो फिर दूसरे स्टेट में भी तो ड्रॉट जैसे सिचुएशन आए होंगे. तो ये सारे सवाल के बीच में हम लोग कुछ अब आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमारी एनालिसिस है वो 2013 और 14 के बीच में है ये जो आर्टिकल में की गई. क्यों, क्योंकि 2014 के बाद में वैसा कुछ रिलेवेंट डेटा हमारे पास इस जो आर्टिकल में लिखी गई एडिटर के पास नहीं थी. तो नो इन्फॉर्मेशन ऑन आईपीसी एंड आईपीयू. तो आईपीसी और आईपीयू क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको ये समझने में और आसान होगी. तो आईपीसी मतलब होता है इरीगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड, ठीक है. तो इट्स डिफाइंड एज द टेकिंग इन टू अकाउंट मल्टीपल क्रॉपिंग विच कैन बी प्रोवाइडेड इरीगेशन थ्रू द फैसिलिटीज विच हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड. मतलब समझ गए, मतलब ये हो गया कि आप
आपको जैसे देखो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, जैसे ये इंडिया है, इंडिया में क्रॉपिंग करने के लिए क्या जरूरत है, यहाँ ज्यादातर लोग जो है मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब देखो मानसून पे डिपेंडेंट रहने के साथ साथ हम लोगों ने टारगेट बनाया ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त के क्या कि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो प्रोडक्शन को जब इंक्रीज करने की बात हुई तो ये नॉर्मल मानसून के तरीके से नहीं हो सकता था। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स आए, है ना, फर्टिलाइजर्स आए, पेस्टिसाइड्स आए, इंसेक्टिसाइड्स आए, और साथ ही साथ ये वाटर का जो फैसिलिटीज था हम लोगों ने कहा इरिगेशन के द्वारा इसको अवेलेबल करवाना स्टार्ट किया। जहां पर नदियां नहीं है, नहर नहीं है, वहां पर हम लोगों ने ऐसे चैनल्स बनाए ताकि वहां पर भी लोगों को, किसानों को वो पानी मिल सके। तो ये जो चैनल हम लोग बनाते हैं, गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, और जैसे नहर आपके मतलब जहाँ पर आपका वहाँ पर लैंड है, लैंड के आसपास से नहर गुजरती है और उस नहर से आप पानी का यूटिलाइज करते हो, तो उस नहर की बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिएटेड। यहाँ पर ये वर्ड पकड़ना, ये लास्ट वर्ड क्रिएटेड है, और देखो दूसरी वर्ड पूरी वर्ड सेम है, सिर्फ लास्ट वर्ड चेंज है। यूटिलाइज मतलब जितना आपने क्रिएट किया, मतलब आपने डैम बनाया या फिर आपने कैनाल बनाया, आपने जो भी चीज़ें बनाई उसको बनाने के बाद उसका जो पर्पज़ था कि किसानों को हेल्प मिले, किसानों को पानी मिले, तो कितनी पानी किसान को मिली है इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलाइज। मतलब आईपीसी मतलब कितना हमने क्रिएट किया, और आईपीयू मतलब कितना किसानों को उससे फायदा हुआ, कितने पानी का यूटिलाइजेशन हुआ। तो ये दो टेक्निकल टर्म समझ गए। अब डिस्कशन देखो इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। अब देखो व्हाइल अर्ली एक्सपेंडिचर्स आर नॉन, नो वन नोज वेदर दिस हैव क्रिएटेड एनी आइडेंटिकल इरिगेशन। जैसा मैंने बताया क्योंकि हर सालों साल जो है इरिगेशन के नाम पे बजट से पैसे अलग हो जाते हैं, हर साल जो है क्या मिल जाता है कि ये इरिगेशन के लिए ये नहर बनाए जाएंगे, यहाँ पे डैम बनाया जाएगा, यहाँ पर स्प्रिंकल वाटर बनाया जाएगा, ये सारी चीजें जो है पैसे मिल जाती है, लेकिन उस पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं, किसानों को पानी मिला कि नहीं, ये जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय द एक्सपेंडिचर। और सबसे आयरोनिकल बात यह है कि कोई भी कहीं का जो प्रोग्रेस है हम उसको किस चीजों पर देखते हैं, एक्सपेंडिचर, मतलब कि सरकार ये कोई इस चीजों से मतलब होता है कि हमने 20 करोड़ रुपए दे दिए इस साल, मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ डेवलपमेंट के काम कर दिए, लेकिन रियल में डेवलपमेंट कब होगा, रियल में डेवलपमेंट तब होगा जब आपने 20 करोड़ रुपए दिए और उस 20 करोड़ के कारण जो पर्टिकुलर रीजन में जो इरिगेशन फैसिलिटीज मिली वहां का प्रोडक्शन जो है कम से कम 30% 40% अगर हाइक हो, तभी आपने 20 करोड़ रुपए लगाए, कहां पर लगे उसकी आपको पता नहीं है, और वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न फिर से जो है लास्ट ईयर के मुकाबले और डाउन चली गई, तो इस मतलब इस खर्च करने का मतलब ही क्या बन जाता है। तो यहीं पर बोला जा रहा है कि प्रोग्रेस measured by the expenditure, ये farmer के utilization पे नहीं। और जहां तक बात ये expenditure की आगे, तो महाराष्ट्र इस list में सबसे top पर आता है। कौन से list में? कि ₹20.4 lakh per hectare of irrigation potential। irrigation potential में अगर देखा जाए कि प्रत्येक हेक्टेयर में कितने की खर्च आ रही है, महाराष्ट्र में 20.4 लाख रुपए की खर्च आ रही, मतलब 20 लाख रुपए का खर्च आपको एक हेक्टेयर पे इरिगेशन करने के लिए सरकार आपको देती है महाराष्ट्र में। और दूसरे स्टेट में अगर ये डेटा को देखो तो वहां पर ये कॉस्ट बहुत ही कम है। तो महाराष्ट्र में जब एक हेक्टेयर के लिए आपको 20 करोड़ मिल रहा है, तो ऐसी कुछ पॉलिसीज अलग से बनाने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या हो सकती है। इंजीनियर्स को मतलब क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार को मतलब ये होता है कि मैंने इस चीजों को बना दिया, तो इंजीनियर का काम ये होता है, इंजीनियर हो गए या फिर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बनाने का, वो लोग बनाए, जैसे ब्रिज बनाए, कैनल बनाए, जो भी चीजों को बनाए, बनाते के साथ वो एक इनॉग्रल हुआ, वहां पर एक दिन आए सभी मिनिस्टर्स, वहां पर सभी को माला पहनाए और मतलब हो गया, मतलब कि आईपीसी बन गया। लेकिन आईपीसी से मतलब नहीं है, बनाया किस लिए गया था, उसका यूटिलाइजेशन, उसकी यूटिलाइजेशन हो पा रही है नहीं, उस पर्पज को मीट कर पा रही है नहीं, इसको कोई भी नहीं देख रहा है सीरियसली। एंड दिस कॉस्ट आर सो हाई, थिंक whether any investment in the public irrigation in Maharashtra are worth making। और ये जो cost है अभी आपको बताया कि एक hectare पे लगभग कितनी की 20 लाख रुपए की जो खर्च हो रही है, तो कोई भी ऐसी एजेंसी जो वहां पर अपना मतलब पैसे भी नहीं लगाना चाहती है कि इतना cost high है, उसके बाद हमें जो है return मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। And profitability in crop cultivation from public irrigation hardly matches। और क्या होता है, वही बातें कि जब आप वहां पर irrigation होने के बावजूद भी मतलब लोगों को मतलब सिर्फ इससे कि 20 करोड़ रुपए
में मैंने लगा दिए लेकिन उसका प्रोडक्शन 20% 30% इंक्रीज किया या नहीं किया उससे किसी को मतलब नहीं है, और सच्चाई ये होती है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज ही कर रही है। तो इसके पीछे का एक हम लोग क्या दूसरा पॉलिसी ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, और क्या कि वेदर द एग्जिस्टिंग फार्मर विद एक्सेस पब्लिक इरीगेशन आर मेकिंग दिस 1.6 लाख पर हेक्टेयर। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूट ये बताता हूँ आपको कि ये जो 20 लाख रुपये पर हेक्टेयर डेटा के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि सरकार जो है उतनी खर्च कर रही है, तो सरकार क्यों ऐसा ना करे कि जितना अगर जितने फार्मर्स हैं उस रीजन में सबको जो है 20 करोड़ रुपये दे दिया जाए उनके अकाउंट में, और वो कितने लॉन्ग टर्म लोन के बेसिस में, मतलब 10 साल 12 साल लोन के बेसिस में उन्हें दे दिया जाए, और उसका कुछ इंटरेस्ट रेट बांध दिया जाए 2% 5% जो कि किसान जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब 20 लाख रुपये किसी किसान के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो किसान अपने पर्पस से क्या करेगा, अपने तरीके से उस वहां पर पानी का यूटिलाइजेशन करवाएगा, मतलब नदी के से उससे पानी कहां से लाना है, कितना पानी का यूटिलाइज करना है, और पानी का वेस्टेज करना है या नहीं करना है। और वो क्योंकि आप जब इरिगेशन फैसिलिटीज बनाते हो तो उसको मेंटेनेंस करने वाला नहीं होता कोई। देखो सबसे एक मैं जो बता रहा था कि आपको अपने नोट से कुछ बातें बताता हूं, तो उसमें मैंने क्या चीजें लिख कर रखी है, तो उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बातें यह है कि आईपीसी मतलब जो क्रिएशन हो रहा है और और ये जो यूटिलाइजेशन हो रहा है इसके बीच के इसमें बीच में इतना गैप आखिर क्यों है। तो इसके गैप के 5-6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्विकली समझ में आएंगे। पहला ये कि लैक ऑफ कंट्रोलिंग डिवाइस, जैसे मैंने आपने वहाँ पर कैनल बना दिए, वहाँ पर जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना दिए, चैनल बना दिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बनाने के बाद उसको कंट्रोल करने वाला कोई डिवाइस नहीं है, मतलब कि अगर उस पर पानी का फ्लो छोड़ दिया जाए तो पानी इतने अमाउंट में निकल रही है, इतने अमाउंट में निकल रही है कि यहाँ पर अगर इस लैंड पे हमको क्या करना है, क्रॉपिंग करना है, तो उसके आजू बाजू वाले भी जो लैंड है वो क्या हो जाते हैं, भींग जाते हैं, और इससे क्या होता है, वाटर का बर्बादी यहाँ पर होता है, और ज़रूरत कहाँ थी, सिर्फ इस लैंड की थी। तो पहली बात ये हो गई ये जो गैप का। दूसरी बात क्या कि सॉइल रिटेंशन फैसिलिटीज, हर एक मतलब अगर मान लो महाराष्ट्र का सॉइल है, एक बिहार का सॉइल है और एक पंजाब का सॉइल है, तीनों का सॉइल का जो मतलब पैरामीटर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो जो वाटर सॉइल की जो वाटर रिटेंशन, कितनी सॉइल को वो कितनी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, वो जो है मतलब रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। तो इस चीज़ों के कारण भी क्या होती है कि चीज़ें वहाँ पर वाटर का वेस्टेज होता है। तीसरी बात लैक ऑफ स्टोरेज सीपेज और डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, मतलब कि ये जो आपने कैनल बनाने की बात किया है वहाँ पर स्टोर करके पानी को रखना है, मतलब क्या कि जब बरसात का मौसम आएगा तो पानी को क्या करेंगे हम लोग, एक स्टोरेज फैसिलिटीज में स्टोर करके रखेंगे, और बरसात खत्म होने के बाद क्या आती है, मतलब बरसात खत्म होने के बाद विंटर आ जाती है, और उसके बाद आती है समर, और मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉट कब पड़ता है, समर। तो मतलब 2 सीजन तक आपको वाटर को स्टोर करके कहीं पर रखना है और उसका यूटिलाइजेशन जाकर समर में करना। तो यही मेरे पास स्टोरेज फैसिलिटी सही की नहीं है, अगर कहीं पर स्टोर करके रखते भी हैं तो वहां पर क्या होता है कि वाटर जो होती है सिप कर जाती है, लीक कर जाती है। आप देखे होंगे दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, पुणे में रहते हो, वहां पर भी जहां पर जो वाटर जाती है इनलेट में, आपके घरों में जो जाती है टैप वाटर, वहां पर भी आपको जगह जगह मिलेगा क्या लीकेज हो रहा है, पानी गिर रहा है और उसे देखने वाला नहीं है। और ये तो फिर भी इरिगेशन पर्पज के लिए कैनल में है, वहां पर जो चीजें लीक होती हैं उसको कोई भी देखने वाला नहीं। तो तीसरा कारण यह। चौथा क्या कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और केमिकल्स का हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप किसी हाई मतलब ऐसे केमिकल्स की यूज करोगे तो केमिकल्स के यूज करने के कारण होता क्या है कि वो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उस क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, तो वैसे स्थिति में भी उसे ज्यादा वाटर चाहिए, जिस कारण से ये गैप बढ़ जाती है और हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है। लैक ऑफ मेंटेनेंस, एक मेंटेनेंस करने वाला भी नहीं है, मतलब कि अगर कैनल बना दिया, कैनल बनाने के बाद इनॉग्रेशन हो गया, माला पहना दिया गया, उसके बाद वो उसका वहां पर टूट गया, फूट गया, वहां पर लीकेज हो रहा है, वहां पर प्रॉपर स्टोरेज है नहीं, वहां पर गंदगी भर गई है, जाम हो गया है, उस चीजों को देखने वाला कोई अथॉरिटी नहीं होता है, और ये भी एक प्रोमिनेंट कारण है। और सातवां कारण क्या है कि वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट भी सीजन टू सीजन जो है फ्लक्चुएट करती है, मतलब अगर पैडी आपको लगाना है, खरीफ क्रॉप हो गया,
तो उसमें वाटर कम की ज़रूरत हो सकती है, गेहूं उपजाना है आपको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, आपको मक्का उपजाना है या फिर कुछ भी दाल उपजाना है, पल्सेस उपजाना है, राजमा उपजाना, तो उस तरीके से जो वाटर क्रॉप टू क्रॉप भी डिपेंड करती है। तो आपको मैंने आपको टोटल क्या बातें बताई क्विकली मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि मतलब लैक ऑफ कंट्रोलिंग डिवाइस जिस कारण से क्या होता है कि एडजेसेंट जो फील्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं फ्लडेड हो जाते हैं। दूसरी क्या कि लिमिटेड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है सॉइल टू सॉइल। तीसरी बात क्या कि लैक ऑफ स्टोरेज है हमारे पास और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम का भी हमारे पास कमी है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, मतलब किसी लैंड को कम किसी के पास कम लैंड है तो उसको कम पानी की जरूरत होती है, किसी के पास ज्यादा लैंड है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जो कैनल के आसपास के लैंड है उसको पानी बहुत ज्यादा मिल गया वहां फ्लड आ गया, जो दूर है उसको पानी कम मिल रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी प्रॉपर हमारे पास नहीं है। पांचवी बात क्या हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो है उसको ज्यादा से ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। छठी बात क्या कि लैक ऑफ मेंटेनेंस है, वहां पर कचरा फंस गया सालों साल तक कोई देखने वाला नहीं आता। और आठवीं बात क्या कि वाटर की रिक्वायरमेंट मतलब कि ये क्रॉप टू क्रॉप भी डिपेंड करती है, तो जिस कारण से ये जो क्रिएट मतलब हम लोग क्रिएट करते हैं और यूटिलाइजेशन में इतना वाइड गैप बन जाता है। अब देखो आर्टिकल में कुछ और बातें बताई गई कि पब्लिक इरीगेशन नीड्स मेजर ओवरहॉलिंग इन द कंट्री, तो इसलिए ये जो इरीगेशन फैसिलिटीज इसको मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी की जरूरत है जो कि हु यूजेज हाउ मच ऑफ इरीगेशन वाटर, जो देख सके कि किसको कितनी मतलब वाटर की जरूरत है और जितनी उसको आवश्यकता है उतनी ही उसे वाटर दिया जा सके। वाटर की हम लोग क्या करें अगर इसे बर्बाद करने से रोके तो हम लोग ड्रॉट जैसे सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और 19% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज इरीगेटेड। और ये भी देखने की बात है जैसा मैंने आपको बताया कि क्रॉप टू क्रॉप जिस तरीके से चीजें चेंज होती है, तो सुगर केन के केस में अगर मान लो 100% वहां पर मतलब इरिगेटेड लैंड है तो वहीं जब कॉटन उपजा रहे हैं तो सिर्फ 3% जो है इरिगेशन वहां पर हो पाती है, प्रॉपर चीजें हो पाती है, पानी मिल पाती है। तो ये चीजों को भी हमें देखना है कि जिस सीजन का जो क्रॉप है और जिसे जितने वाटर की फैसिलिटीज है उतने ही वाटर उसे मिल सके, इसके लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना होगा। एंड टेकअप दिस चैलेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट इरिगेशन वाटर from public canal more equitably amongst the farmers, मतलब per hectare basis पे वो farmers को जिसको जितनी आवश्यकता उसे हमें देने की जरूरत है। और अगर हम लोग ऐसा करने में सक्षम हो पाए तो हम लोग drought जैसे situation को आसानी से handle कर सकते हैं। बाकी मैंने जो आपको 7-8 points बताए उस points को मैं telegram पे भी डाल दूंगा, आप वहां से उसे note down अपने अपने notes में कर लेना। ये साथ ही साथ देखो not ease of doing business, ease of doing business में मैंने आपको पहले ही बताए थे कि चाइना हो गया इंडिया हो गया ऐसे जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज उन्होंने पहले इस रेटिंग एजेंसी आप कमेंट सेक्शन में पहले लिख के बताओ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है कौन सी एजेंसी मतलब जारी करती है, कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है। तो ये जो भी एजेंसी पब्लिश करती है तो इंडिया चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्री ने उसे बोला कि आप इसके नाम को चेंज कर दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह जो है आप इसको ईज ऑफ रेगुलेशन कर दो। मतलब आप क्या करते हो वहां पर देखते हो कि कितनी आसानी से बिजनेस की जा सकती है लेकिन बिजनेस वहां पर किस तरीके का हो रहा है और बिजनेसमैन के आपको सिर्फ वहां पर लाइसेंसिंग से आपको मतलब होता है इस रेगुलेशन का मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कि कितनी आसानी से कोई नए एंटरप्रेन्योर या फिर इन्वेस्टर्स आके पैसे लगाएंगे और उसके पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस का एनवायरनमेंट ये चीजों को नहीं देखती है। तो ये बिजनेसमैन हैज बिकम सो मच इजियर। और ये क्वेश्चन भी देखो हमारे मन में ये उठता है कि ठीक है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 100 से लेकर 77 पर आ गए इस बार, मतलब 6.6% का इंक्रीज हुआ। अगर दो सालों में देखो तो 130 थे हम लोग दो साल पहले और 77 पर आ गए, तो इतना जो चेंज आया, इतना जो हम लोग इंक्रीज के कंडीशन जो अच्छी हुई, तो क्या रियल सेंस में आपको आसपास दिखता है कि हमारी बिजनेस करने की मतलब जो स्थिति बहुत अच्छी हो गई, हमारा बिजनेस पैटर्न इंडिया में बहुत अच्छा हो गया। ये चीज़ें हम अगर ऑब्जर्व करें माइन्यूटली तो हमें देखेंगे आसपास ऐसे कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहे, आसपास मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो यहाँ पर नहीं आ गए। और तो और हम लोग डेली इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो यहाँ से मतलब जा रहे हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ पर अपने पैसे को छुड़ाकर बाहर भाग रहे हैं, तो वो लोग बाहर जा रहे हैं लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो रहा। तो ये अपने आप में एक क्या आयरोनिकल बातें हमें लगती है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 10 कैटेगरी पे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 डिफरेंट कैटेगरी होते हैं और इस कैटेगरी में हम लोगों ने बहुत सारे कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लगभग 8 कैटेगरीज में, और 2 कैटेगरी ऐसे थे जहां हम लोगों ने लगभग हमारी स्थिति जैसे पहले थी अब भी वैसी की वैसी है। और जहां तक अच्छी की बात है तो कंस्ट्रक्शन परमिट में और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ये 2 ऐसे पैरामीटर हैं जहां पर हम लोगों ने मैक्सिमम इंप्रूवमेंट किया। अगर कंस्ट्रक्शन परमिट में देखो तो हम लोग 34
मतलब पायदान का छलांग लगाए हैं, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में हम लोग 19 पायदान का छलांग लगाने में सक्षम हो पाए। अब लिटिल हैज चेंज इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेइंग टैक्सेस एंड द रजिस्ट्री प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिली, मतलब कि टैक्स को कैसे पे करना है, रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे हो, ये सब चीज़ों में हम लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूव अभी नहीं कर पाए। तो ठीक है, ये स्पीड तो स्लो है, ये हम लोग समझ सकते हैं कि अचानक हम लोग 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आती है और हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ जो है 4-5 साल के ही मतलब अंतराल में सब कुछ चेंज हो जाएगी, हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 5 पे पहुंच जाएंगे। ये स्लो चेंज को समझना आसान है और हम लोग समझ भी सकते हैं, लेकिन बात ये है कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच मच एक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब कुछ ऐसे वहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पर हमारी गौर फरमाने की आवश्यकता है, वहाँ पर हमें बहुत ही सीरियसली देखने की जरूरत है, जैसे कि परमिशंस एंड द फॉर्म सबमिशंस, मतलब कहीं पर आपको परमिशन लेना है या फिर आपको कोई कहीं फॉर्म सबमिट करना है, तो ये चीजें जो है बहुत आसान हो गई। और कारण भी था क्योंकि पहले जो है वर्क होते थे पेन एंड पेपर पर, लेकिन अब जो काम हो रही है वो पेन एंड पेपर पर नहीं हो रही है, आपके टैब से, आपके लैपटॉप से, आपके सिस्टम से चीजें होती है, डायरेक्ट डेटा वहां पर इनपुट होता है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है जो भी कंसर्न एजेंसी होती है उस एजेंसी के पास वो डेटा चला जाता है और चीजों को आसान कर दिया जा सकता है। लेकिन बात जब कंस्ट्रक्शन की देखो तो कंस्ट्रक्शन क्या आपको एक छोटी मोटी चीज दिखती है? क्या आप जैसे नॉर्मल लोग जाकर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो? आप 10 मंजिले की बिल्डिंग बना सकते हो? आप ब्रिज बना सकते हो? नहीं, कंस्ट्रक्शन अपने में बहुत सारी चीजों को समाहित किए हुए रहती है, जैसे कि जैसे देखो यहां पर मल्टीट्यूड ऑफ द सबमिशन, आपको बहुत सारे सबमिशंस और परमिशंस की जरूरत होती है, एंड इवन द साइड ऑफ पेमेंट, और बहुत ज्यादा ऐसे भी जगह होंगे जहां आपको पेमेंट की जरूरत, मतलब इनिशियल रिक्वायरमेंट की गिट्टी गिरवाना है, बालू गिरवाना है, ईंट गिरवाना है, मार्बल्स वहां लगवाने, तो उन सब के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे की जरूरत चाहिए। और ये पैसे क्या आपको गवर्नमेंट देगी? नहीं, ये पैसे जो हैं आपको जब आपके हाथों में आपके अपने पास ये पैसे होंगे तभी आपको आप कंस्ट्रक्शन की बिजनेस को कर सकते हो। तो यहां पर हमें ये आर्टिकल में बोला गया कि हमें ये ऐसा देखकर प्रतीत होता है कि क्या हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ ऐसा गेमिंग तो नहीं किए, कुछ खेल तो नहीं किए जिस कारण से हमारी जो है ये इतने अच्छे कंडीशंस हो गए, 77 पे हम लोग पहुंच गए क्या? तो इसमें ये आर्टिकल में बताया गया कि ऐसा हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उस 10 कैटेगरीज में अगर सरकार को ये पता हो कि इसमें से कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिस कैटेगरीज पे ज़्यादा आसानी से हम लोग फोकस कर सकते हैं और उस कैटेगरी को फोकस करने के बाद हमारी कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है, तो सरकार ने उसी चीज़ों को किया। जैसे कि सिंपल टर्म में ये बताऊं कि कल आपकी एग्जाम है और आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और लास्ट नाइट आपकी मतलब सिर्फ एक रात की बात है और सुबह 9 बजे आपकी एग्जाम है और उसके बाद जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हो, आप उसमें देखते हो क्या कि इस टॉपिक में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे पढ़ने, और उस टॉपिक में से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़ के चले जाते हो और 5 में से 3 के 3 क्वेश्चन जो है आपके वो जो पढ़ के आप गए थे रात में वही आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पढ़ाई पूरी साल नहीं किए लेकिन 3 क्वेश्चन आपने रात को जो पढ़ा था और आपको पता था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस क्वेश्चन को पढ़ा और आपकी रैंकिंग अच्छी आ गई, आपके मार्क्स अच्छे आ गए। तो वही चीज सरकार भी तो कहीं नहीं की कि उसे ये सारी चीजें पता थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत ऐसे हैक्टिक मतलब लेंदी मतलब टॉपिक है जिसको हम लोग एक रात में कंप्लीट नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे टॉपिक को पढ़ लो जो टॉपिक आ भी सकते हैं और वो टॉपिक छोटे छोटे हैं। तो यही यहां पर भी एक माइंड में बात उठती है, तो सच इंप्रूवमेंट हैव एन इंस्टेंट इंपैक्ट। जैसे कि आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बातें कर लो तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आने से मतलब इसका इंस्टेंट इंपैक्ट हुआ, और खास करके किस में, कि कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन में, मतलब पहले पेपर वर्क करना, पेपर वर्क करने के बाद कोई एक एजेंसी आपके घर घर जाएगा, पेपर पे लिखेगा, उसका एक टेबल बनेगा, टेबल बनने के बाद वो डेटा जो है ट्रांसमिट होगा, तो ये सारी चीजों में टाइम भी लगता था और जो है कॉस्ट भी होता था कि एक जगह से दूसरे जगह चीजों को पहुंचाने में। लेकिन बातें क्या हो गई कि देयर इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, मतलब उनकी जो ग्रोथ रेट पे अगर इम्पैक्ट देखो हमारे कंट्री में, वो तुरंत अगर आपको देखना, तो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के आने के कारण बिजनेस में कुछ ऐसा इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखेगा और जिस कारण से आप जो है आसपास ऐसे बिजनेस में कुछ ऐसे चेंजेस नहीं देख पा रहे हो कि हमारी जो है इतनी 130 से लेकर 77 तक हम पहुंच गए लेकिन फिर भी हमें चीज़ें हूबहू वैसी ही आसपास क्यों दिख रही हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है, और ये मतलब चेंजेज आपको दिखेंगे, लॉन्ग टर्म चेंजेज हैं, इसका इम्पैक्ट जो आने वाले 5-6 साल बाद आपको दिखेगा,
लगेगा कि हाँ वास्तव में हमारी कंडीशन जो है, हमारी कंट्री जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, यहाँ पर बिजनेस करना आसान हो गया, यहाँ पर बिजनेस करेंगे तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं और सरकार की इसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं होगी। मोर डिफिकल्ट फॉर दोज एंटरप्रेन्योर हु आर लेस डिजिटली एबल। और इसमें यह है कि जब हम लोग डिजिटल की ओर चल रहे हैं तो वैसे लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है, खास करके माइक्रो स्मॉल और मेजर जो मतलब माइक्रो और स्मॉल जो सेक्टर्स होते हैं तो वहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास उतनी डिजिटल नॉलेज नहीं होती, तो उनको डिजिटली एबल करना भी सरकार का काम है जो कि माइक्रो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं। मतलब जैसे कोई कैंडल बनाने की फैक्ट्री खोल दिया या फिर कोई जूते बनाने की फैक्ट्री खोल दिया कोई लोकल मेड, या फिर कोई मतलब खादी के वस्त्र बना रहे हैं, तो वैसे वैसे सेक्टर में वो लोग क्या होते हैं, वो लोग उतने डिजिटली मतलब एडवांस नहीं होते, तो उन्हें हम लोग डिजिटली एडवांस करना ताकि ये चीज़ें जो है जो सरकार जो पॉलिसीज को बनाती है उसका रियल सेंस में यूटिलाइजेशन हो सके और आईपीसी और आईपीयू जैसा मैंने पहले के आर्टिकल में बताया उस दोनों का गैप जो है कम से कम हो सके। देयर इज मच दैट दिस रैंकिंग डज नॉट कैप्चर। और उसके अलावा बोले जाते हैं इस रैंकिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कैप्चर नहीं की गई। और पहला क्या कि ये डू नॉट कैप्चर द आउट ऑफ प्रोसेस इशू। आउट ऑफ प्रोसेस इशू जैसे कि डेली रनिंग बिजनेस, मतलब प्रत्येक दिन बिजनेस करने के लिए आपके पास क्या क्या परेशानियां आती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बातें आ जाती है, डिपार्टमेंट लेबर रिलेटेड इशू, और जब इंस्पेक्शन की बात आती है तो इंस्पेक्शन को ये समझो कि इंस्पेक्टर राज, मतलब कहीं पर कुछ है, कोई दो पुलिस वाले आते हैं आपके दुकान पर डंडे मारते हैं और डंडे मारने की जगह आपके पास ये धाराएं वो धाराएं लगा दी और आप भी क्या करते हो, तुरंत उसके पास 5,000 रुपये देते हो, पुलिस वहां पर छोड़ के चली जाती है, फिर एक महीने बाद ऐसा ही होता है, या फिर आप कुछ चीज़ों को कैरी कर रहे हो, आपकी कोई लॉजिस्टिक पहुंच रही है, वहां पर पुलिस वाले आपको तंग कर रहे हैं, तो ये इंस्पेक्टर राज जो है इसमें भी हमें पहले क्या करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने की जरूरत है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। और ऑफर मतलब बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंस हो गया ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेसी की ओर, उस डिपेंडेंस को हमें घटाने की जरूरत है। आप जिसको भी बिजनेस करने का परमिशन दे रहे हो उसको सेल्फ रिलायंट बनाओ, उसको इस तरीके से हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए, हमारी स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि वो जो बंदा बिजनेस कर रहा बिजनेस वहां पर करे और वो जो है टैक्स का इवेजन नहीं कर पाए, बस हमारी मकसद ये होनी चाहिए, है ना। और यही चीजों पे अगर हम लोग फोकस करें तो इसमें ब्यूरोक्रेसी और ये जो इंस्पेक्टर की दखल अंदाजी है उसे सबसे पहले कम करने की जरूरत है, क्योंकि इससे भी तंग आकर बहुत सारे लोग जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। दूसरी बात क्या कि बिजनेस हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी बिजनेस के साथ। आज हम लोग जैसे चाइना में 2 दिन पहले एक वायरल न्यूज हो रहा था कि एक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट था वो न्यूज रीड कर रहा था, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री जहां पर लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं तो उसको एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। हमारी स्किल्स, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग रोबोट को लेकर आए और मतलब इंडस्ट्री से लोगों को भगा दें और रोबोट से काम करवाना स्टार्ट करें, हमें पहले पीपल को एम्प्लॉयमेंट लेने की जरूरत है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसे बिजनेस को फोकस करना है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो सके। पुअर जो स्किल्स है, करप्शन है और फिर इंटरनल ट्रेड में जो चीजें होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्रॉस बॉर्डर चीजें जो हो रही है, वो चीजों जब जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है और जैसे मैंने इंस्पेक्टर राज की बातें बताई तो वो सब चीजों को हमें ठीक करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ तीसरी बात क्या कि इनपुट कॉस्ट, डिमांड फैक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशू को भी हमें देखने की जरूरत है कि हमारी जो है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने में हमें तो शुरुआत में कितनी इनपुट कॉस्ट लग रही है और जो हम लोग कॉस्ट लगा रहे हैं वो जो कॉस्ट है वो डिमांड के अकॉर्डिंग है या नहीं। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि आप एक जूते बनाने की फैक्ट्री बना लिए और आप जूते बना रहे हो चमड़े के, लेकिन लोग जो है चमड़े के जूते पहनना ही नहीं चाह रहे, लोग जो है कैनवस शू पहन रहे हैं, लोग कपड़े के शू पहन के और डिजाइनेबल शू पहन रहे हैं, तो आप चमड़े के जूते बना रहे हो और उसका डिमांड मार्केट में है ही नहीं, तो वैसी चीज़ों को हमें पहले देखने की आवश्यकता है और उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे लिए आवश्यक है। एंड फाइनली क्या कि फोकस ऑन प्रायोरिटीज, फाइनली बात यह है कि हमें क्या चीज़ों पर फोकस करना है, प्रायोरिटी पर फोकस करना है और वो भी जो कि रिलेवेंट हो इंडिया के लिए। हमें ऐसी कि मतलब चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न्यूज पढ़वा रहा है तो हम लोग भी उस चीजों को करने लगे। हमारे पास ऐसे पढ़े लिखे जर्नलिज्म के क्षेत्र में ही ऐसे लोग हैं जो कि आज रोड पर भटक रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रही है, तो वैसे लोगों को पहले एम्प्लॉयड करने की जरूरत है। तो हमें दूसरे देश को कॉपी नहीं करना है, हमें अपने पॉलिसीज अपने देश के अकॉर्डिंग बनाना है ताकि हमारा देश जो है पहले रियल सेंस में उद्धार कर सके, सिर्फ नंबर का खेल नहीं हो सके कि 130 से 77 गए, 77 से अगले साल 50 आ जाएंगे, ये न्यूमेरिकल खेल होने की जगह रियल सेंस में किसी को मतलब फायदा पहुंच सके और हमारी कंट्री की ग्रोथ हो सके, इस चीजों को देखने की आवश्यकता है। थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।